हेलो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है, ये दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर लेस देन 0 इज नॉट अ सेट, हियर r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स और रीजन r है फॉर एवरी रियल नंबर x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें से a एंड b है बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये सेट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास जो जिसका स्क्वायर 0 से कम हो, तो एक्स से कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो ये सेट नहीं है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए और बी दोनों करेक्ट, आल्सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद आता है 81, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर, इफ सी बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, देन इन्फिमम सी बराबर जो होगा वो इन्फिमम ए प्लस इन्फिमम बी होगा। और 82 आता है, वो क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन व्हाट इज एक्स माइनस वाई का डैश। एक्स माइनस वाई का डैश है ये अपने पास, तो ये आएगा हमारे पास एक्स डैश यूनियन वाई डैश, एक्स डैश यूनियन वाई डैश आएगा फ्रेंड्स। ये जो इसमें ये मिस्टेक से, हाँ, एक्स डैश यूनियन वाई आएगा फ्रेंड्स, ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने पास द सेट ऑफ इंटीजर, जो इंटीजर का सेट होता है वो अपने पास क्या होता है, कौन सा सेट होता है, ये चेक करना है। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्डर सेट होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आता है अपने पास, लेट आर बी आर एंड एस बी टू नॉन वर्ड रिलेशन ऑन अ सेट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फेल्स। तो फ्रेंड्स, ये फेल है इफ आर एंड आर एंड एस आर ट्रांसिटिव एम्प्लाइज आर यूनियन एस इज ट्रांसिटिव, ये अपने पास फेल स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो भी अपने पास स्टेटमेंट है, आर एंड एस आर ट्रांसिटिव, तो आर इंटरसेक्शन एस भी ट्रांसिटिव होगा, आर एंड एस सिमेट्रिक है तो आर यूनियन एस भी सिमेट्रिक होगा, आर एन एस एंड एस रिफ्लेक्सिव है तो आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव होगा, ये तीनों करेक्ट है। ये ऑप्शन इसमें जो फेल्स है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 फ्रेंड्स, ये कंपोजिट नंबर एन, कंपोजिट नंबर एन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन नॉन प्राइम नंबर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अब आता है फ्रेंड्स अपने पास क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर नॉन एम्प्टी सेट ए बी एंड सी। स्टेटमेंट फर्स्ट, अपने पास ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी यूनियन सी, और स्टेटमेंट सेकंड है ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपने पास बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 87 आता है, क्वेश्चन नंबर 87, द हाफ स्पेस 01 इज हैव, द हाफ इंटरवल 01 हैव, मैक्सिमल एलिमेंट इस इंटरवल में नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमल एलिमेंट ये क्लोज नहीं है ऊपर से, तो मैक्सिमल नहीं होगा, मिनिमल एलिमेंट ओनली, मिनिमल एलिमेंट इसमें है क्योंकि जीरो इसमें जो है क्लोज है जीरो की तरफ से, तो ये मिनिमल एलिमेंट इसमें होगा। तो फिर इसमें बी करेक्ट आंसर हो गया, तो मैक्सिमल और मिनिमल बोथ एलिमेंट नहीं है, दोनों के लिए करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है अपने पास बी, मिनिमल एलिमेंट ओनली।